Hello everyone, once again welcome back to Mathematics Student YouTube channel. So in this video we are going to discuss one more topic from BSE Mathematics portion here. आज का हमारा टॉपिक रहेगा असिम्प्टोट्स. असिम्प्टोट्स को हिंदी में कहते हैं अनंत स्पर्शी. तो यहाँ से नाम से ही साबित हो रहा है अनंत स्पर्शी, जो अनंत पे जाके मिले या फिर इनफाइनाइट पर मिले. तो अगर हम यहाँ से अनंत स्पर्शी की डेफिनेशन देखें तो किसी भी कर्व के लिए अगर हम डिस्कस करें तो अ स्ट्रेट लाइन अनंत स्पर्शी, ये हमारे पास किसी रेखा की चर्चा होती है. तो अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन इज सेड टू बी an asymptote of a curve if as x tending to infinite or y tending to infinite or if x tending to infinite or y tending to infinite the distance between the distance between line and curve tends to zero is called asymptote. A straight line is said to be an asymptote of a curve if as x tending to infinite or y tending to infinite the distance between line and curve is zero. मतलब इनफाइनाइट की ओर टेंड करते टाइम यहाँ से इसके लिए हमारे पास इनके लिए डिस्टेंस जीरो आ जाए तो ऐसे केस में एसिम्प्टोट कहलाएगी. अब एसिम्प्टोट अगर देखें तो यहाँ से एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है, वाई एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है, या फिर यहाँ से दोनों के पैरेलल ही ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है. तो ऐसी लाइन जो हमारे पास किसी भी एक्सिस के पैरेलल हो, अगर हमारे पास एसिम्प्टोट किसी भी एक्सिस के पैरेलल आएगी तो उस केस में ऐसे एसिम्प्टोट्स कहलाएगी आपके पास रेक्टेंगुलर asymptote. और अगर हमारे पास यहाँ से दोनों के ही पैरेलल ना आए, अदरवाइज हमारे पास ऐसी asymptote जो ना तो x एक्सिस के पैरेलल आए ना ही y एक्सिस के पैरेलल आए, ऐसी asymptote आपके पास कहलाएगी oblique asymptote. oblique asymptote को ही यहाँ से तिर्यक अनंत स्पर्शी भी कहा जाता है. ऐसी अनंत स्पर्शी जो ना तो x अक्ष के समांतर हो ना ही y अक्ष के समांतर हो, तिर्यक अनंत स्पर्शी कहलाती है. और जो x अक्ष या y अक्ष के समांतर हो उसे रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट कहते हैं. अब यहाँ से एसिम्प्टोट फाइंड आउट कैसे करेंगे, उन सारे मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो अगर यहाँ से वेज देखें तो सबसे पहला पॉइंट तो हम यहाँ से लेके चलेंगे कितने एसिम्प्टोट्स हो सकती है. अगर हमारे पास यहाँ से एन घात का वक्र हो, अगर हमारे पास जो भी कर्व दिया हुआ है उसकी घात हमारे पास एन हो, तो एन घात यदि वक्र की है तो उसके केस में उसकी कितनी एसिम्प्टोट्स हो सकती है, उसकी एन से अधिक नहीं होगी, एन से अधिक नहीं होगी, अधिक नहीं होगी, क्या नहीं होगी एन से अधिक एसिम्प्टोट, एन से अधिक अनंत स्पर्शियां, एन से अधिक नहीं होगी अनंत स्पर्शियां. यदि हमारे पास जो कर्व दिया हुआ है उसी की हमारे पास एन घात दी हुई है, उससे अधिक तो हमारे पास अनंत स्पर्शी, एन से अधिक अनंत स्पर्शी नहीं हो सकती. अब हमने फॉर्मेट क्या काम में लेना है, हमें यहाँ से जो कर्व दिया होगा उसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे. कर्व को सिंप्लीफाई करने के लिए पहला मेथड अगर हम यहाँ से देखें, या तो ये हो सकता है हमारे पास एक्स अक्ष के समांतर आ जाए, एक्स अक्ष के पैरेलल अगर हमें निकालना हो तो उसके केस में हम क्या करेंगे, एक्स की जो मैक्स पावर होगी, एक्स की मैक्स पावर अधिकतम घात के मैक्स पावर के कोफिशियंट को, मैक्स पावर के जो गुणांक होगा उसको हम यहाँ से क्या करेंगे, इक्वल्स टू करेंगे जीरो के. सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्स अक्ष के समांतर आ जाएगी. इसी के पैरेलल अगर हम देखें यहाँ से हमें वाई अक्ष के समांतर हो देखना हो, तो वाई की मैक्सिमम जो घात आएगी, वाई की मैक्सिमम पावर को हम यहाँ से मैक्सिमम पावर के कोफिशियंट को जीरो करना है आपको, ना कि मैक्सिमम पावर को करना है. उसके जो कोफिशियंट होगा उसको हम जीरो के इक्वल रखेंगे और वाई अक्ष के समांतर निकाल देंगे. अब यहाँ से हमने अभी भी तिर्यक असिम्प्टोट या फिर ऑब्लिक असिम्प्टोट के बारे में पढ़ा है, तो तिर्यक असिम्प्टोट निकालने का तरीका हमें हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ से जो मैक्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स को तो इक्वल्स टू वन रखेंगे और वाई को इक्वल्स टू हम एम रख देंगे. अब इसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो मैक्स यहाँ से पावर एम का, यहाँ से मैक्स पावर के लिए जो हमारे पास यहाँ से बन रहा है, यहाँ से ये रखने से पहले ही हम ये फॉर्मेट काम में लेंगे. सबसे पहले इनको डिक्रीजिंग पावर में एडजस्ट करेंगे, लाइक मान लीजिए यहाँ से हमने हाईएस्ट पावर रख दी प्लस उसके नेक्स्ट पावर हमने यहाँ रख दी एंड देन सो ऑन हमारे पास इस फॉर्मेट में चल रहा है. तो यहाँ से x इक्वल्स टू वन बाई इक्वल्स टू एम रखेंगे, तो यहाँ से ये रखने पर जो हाईएस्ट पावर थी उसके लिए हमने फाइव एम मान लिया है, हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है फाइव एन में मान लेते हैं, चाहे एन ना लेके यहाँ से आप एन एम ले सकते हो, फाइव एन में हमने यहाँ से कोई फंक्शन ले लेना है और यहाँ से ये एम में आएगा,
प्लस इसके जो नेक्स्ट आएगा उसमें घात इससे कम थी, मान लीजिए फाइव एन माइनस वन था प्लस एम था, इसके नेक्स्ट हमारे पास फाइव एन माइनस टू था एम आया था, एंड देन सो ऑन के फॉर्मेट में हमारे पास आई थी, इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से जीरो आएगा, राइट हैंड साइड में हम जीरो ही तो लेंगे, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मेट आया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट ये हमने फाइंड आउट कर लेना है। अब यहाँ से हमने फाइव एम निकाल दिया, फाइव एन माइनस वन निकाल दिया, ये फॉर्मेट निकाल दिया, तो सबसे पहले यहाँ से हमने क्या निकालना होगा, m के मान निकालने होंगे, तो n के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फाइव एन जो हाईएस्ट पावर के कोफिशियंट थे उसको हाईएस्ट पावर वाले पार्ट को हम जीरो के इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे तो m के मान आ जाएंगे, लाइक m1, m2, n एंड सो ऑन, हमारे पास m के मान आ गए। अब m के जो मान आए हैं यहाँ से हम m के ऐसे मानों के संगत हमने अनंत स्पर्शी निकाले, और जिनके लिए मान हमारे पास जीरो नहीं आएंगे उनके केस में हम ये हाईएस्ट पावर से m के मान निकालिए। अब यहाँ से जो एक पावर कम थी n माइनस वन उससे हम c की वैल्यू निकालेंगे, c इक्वल टू हम यहाँ से रखेंगे माइनस ऑफ फाइव एन माइनस वन एट पॉइंट, हमने जो भी m का मान लेना है, डिवाइडेड बाई यहाँ से जो फाइव एन था इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू m, यहाँ से हम इसमें वैल्यू रखेंगे। बस कंडीशन हमारे पास ये होनी चाहिए जो डेनोमिनेटर की वैल्यू है ये जीरो नहीं होनी चाहिए, ये भी तो हो सकता है यहाँ से इसकी वैल्यू जीरो आ जाए, तो इसकी वैल्यू अगर जीरो आती है तो उसके केस में हम क्या करेंगे, अगर उसकी प्रॉपर्टी हम यहाँ से देखें, अब हमने यहाँ तक सी का ये मान निकाला है, अब अगर हम यहाँ से देखें फाइव एन एम इक्वल टू जीरो पर एम की हमारे पास दो इक्वल वैल्यू आए, लाइक एम की दो वैल्यू आ रही है इक्वल एम वन और एम वन, दोनों ही वैल्यू अगर सेम आ रही है तो उसके केस में हमारे पास यहाँ से सी का मान हम कैसे निकालेंगे, सी का मान निकालने का तरीका होगा क्योंकि यहाँ से अगर दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो उसके केस में हमारे पास क्या आएगा, फाइव डैश एन एम इक्वल टू जीरो ही तो आएगा, रिपीटेड रूट के केस में डिफरेंशिएशन जीरो होगा, डिफरेंशिएशन जीरो होने के केस में जो सी होगा यहाँ से डेनोमिनेटर जीरो होने के केस में परिभाषित नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा, तो उसके केस में हमने सी वन निकालने का फॉर्मेट रहेगा वन बाई टू सी स्क्वायर फाइव डबल डैश एन एम प्लस सी इंटू फाइव डैश एन एम प्लस ऑफ फाइव ऑफ एन माइनस वन डैश एम इक्वल्स टू रखेंगे हम जीरो। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब मान लीजिए यहाँ से हमारे पास थ्री टाइम डिफरेंशियबल है फंक्शन फाइव एन, और तीनों ही रूट लाइक फाइव एन एम इक्वल्स टू जीरो के हमारे पास तीन रूट आए, वो भी एम वन, एम वन और एम वन, तीनों ही रूट अगर हमारे पास यहाँ से इक्वल आ जाएंगे उसके केस में क्या फॉर्मूला काम मिलेंगे, सी की वैल्यू का आएगा वन बाई टू सी क्यू फाइव ट्रिपल टाइम डिफरेंशिएशन एट एम, यहाँ से एन आएगा, प्लस वन बाई टू सी स्क्वायर वन बाई थ्री फैक्टोरियल आएगा, वन बाई टू फैक्टोरियल आएगा यहाँ से सी स्क्वायर फाइव डैश एन डबल डैश एन माइनस वन एट पॉइंट एम प्लस सी इंटू फाइव डैश आ जाएगा यहाँ से ट्रिपल टाइम डैश सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन एट पॉइंट एम प्लस फाइव ऑफ एन माइनस थ्री इक्वल्स टू रखेंगे हम यहाँ से जीरो के, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब देख लेते हैं यहाँ से हम किस टाइप से इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर इसका पहला क्वेश्चन हम देखें तो देखते हैं, अगर हम यहाँ से हमारा पहला एग्जाम्पल लिख के चले, इसके लिए हमने एस एम डॉट या अनंत स्पर्शी फाइंड आउट करनी है, फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस ऑफ फोर एक्स वाई स्क्वायर प्लस ऑफ वाई क्यूब प्लस ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर, एंड अब यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस सेवन इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से एक्स और वाई की डिक्रीजिंग पावर के रूप में देखेंगे। अब यहाँ से अगर हम देखें फर्स्ट टर्म में यहाँ से पावर थ्री है, यहाँ भी टू प्लस वन पावर थ्री हो गई, एक्स स्क्वायर की टू पावर है, पाई की वन पावर है, हो गई थ्री, यहाँ से भी पावर थ्री और यहाँ से भी पावर थ्री है। तो अब अगर इस इक्वेशन को ही सिंप्लीफाई करें, यहाँ से हम लिख सकते हैं फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस ऑफ फोर एक्स वाई स्क्वायर प्लस ऑफ वाई क्यूब, ये पावर थ्री वाले, इनको हमने एक साथ लिख देना है प्लस। अगर अगले में देखें यहाँ से पावर टू है, यहाँ से पावर टू है और यहाँ भी पावर टू है, तो इनको एक साथ लिख देते हैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, यहाँ से पावर जीरो है तो माइनस सेवन इक्वल्स टू जीरो हमने यहाँ से इस फॉर्मेट में लिख लिया। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप यहाँ से हम लेके चलेंगे एक्स की जगह तो हम रखेंगे वन, वाई की जगह हम रखेंगे यहाँ से एम, हमारे यहाँ से ही फॉर्मेट काम में लेना है, वो भी उच्चतम घात में, मैक्स पावर में हमने ये करना है, मैक्स पावर में ये काम करना है। तो मैक्स पावर हमारे पास यहाँ से ये वाली है जिसकी पावर थ्री है, तो इसमें यही कंडीशन अगर हम लगाते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से मैक्स पावर में वैल्यू एम की जगह वन रखेंगे तो ये फाइव, पावर कितनी है थ्री, तो यहाँ से आ जाएगा फाइव थ्री एम इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, x की जगह वन रखना है फोर माइनस y की जगह m रखना है फोर एम स्क्वायर प्लस ऑफ m क्यूब, ये वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसके इसको इक्वल्स टू जीरो रखना है, इसको इक्वल्स टू जीरो रखेंगे, इसको इक्वल्स टू जीरो रख के सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से इसे फोर माइनस एम रख सकते हैं,
नेक्स्ट में अगर हम देखें तो माइनस ऑफ एम स्क्वायर कॉमन आएगा, वैल्यू बचेगी 4 माइनस एम आ गया, इक्वल टू हम जीरो रख रहे हैं, दोनों टर्म में से 4 माइनस एम ले लो अपने कॉमन, तो वैल्यू क्या बचेगी 1 माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करते हैं, तीन रूट मिल रहे हैं, एक रूट तो मिल रहा है हमारे पास यहाँ से, पहले 4 माइनस एम आ गया और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस एम 1 प्लस एम लिख सकते हैं इसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू को ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करें, एम की एक वैल्यू तो आ रही है प्लस वन, एक वैल्यू आ रही है माइनस वन, एक वैल्यू आ रही है 4, तीन वैल्यू हमें यहाँ से एम की मिल चुकी है। अब यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास यहाँ से तीनों वैल्यू ही डिस्टिंक्ट आई है, तीनों वैल्यू डिस्टिंक्ट आएगी। अब हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है रिस्पेक्टिवली, तो साथ ही हमारे पास सी की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला जो अनंत स्पर्शी बनेगी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्मेट में हमारे पास अनंत स्पर्शी बनेगी। C की वैल्यू निकालेंगे तो m की 5 3m की वैल्यू आप देख चुके हो, यहाँ से हमारे पास ये आई है, तो 5 m निकाल लेते हैं। 5 m अगर अब हम यहाँ से निकाले तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 5m की हम यहाँ से वैल्यू देख चुके हैं हमारे पास क्या बनी है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो 5 3m इक्वल्स टू तो हमारे पास बना है यहाँ से 4 m माइनस 4m स्क्वायर प्लस एम क्यूब, इसका हमने कर देना है m के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, m के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 5 3 m इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास यहाँ से 4 कांस्टेंट है, 4 नियतांक है, नियतांक का अवकलन होता है 0, माइनस का 1 आ गया, ये आएगा हमारे पास 4 2 8 m आ गया प्लस 3 m स्क्वायर आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास अब यहाँ से हमने जो हाइएस्ट पावर थी उसे हमने क्या मान लिया 5 3 मान लिया था, अब यहाँ से इससे एक कम पावर बोले तो हमारे पास यहाँ से हमारी ये जो पावर है इसमें x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह m रखेंगे, तो 5 2 m आ जाएगा ना, तो 5 2 m की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या बन रही है 5 2 m की वैल्यू बन रही है यहाँ से 3 प्लस 2 m माइनस एम स्क्वायर, यही तो बन रही है, तो ये वैल्यू हम यहाँ से इसमें रिप्लेस करेंगे तो 5 2 m की वैल्यू और लिख देते हैं यहाँ से 5 2 m इज इक्वल्स टू हमारे पास बनना है यहाँ से 3 प्लस ऑफ 2 m माइनस ऑफ m स्क्वायर। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, हमने यहाँ से c की वैल्यू लिखनी है, c इक्वल्स टू आएगा माइनस ऑफ 5 2 at point m डिवाइडेड बाय 5 3 at point m। अब हमारे पास इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 2 m की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस 2 m माइनस ऑफ m स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 5 3 m की वैल्यू है हमारे पास यहाँ से माइनस 1 माइनस 8 m प्लस ऑफ 3 m स्क्वायर। अब हमारे पास m की क्या क्या वैल्यू आई थी, पहले तो m की वैल्यू हम प्लस 1 ले लेते हैं, m की वैल्यू प्लस 1 होगी तो c की वैल्यू क्या आएगी, सीधा सीधा आपने करना क्या है m की जगह 1 रखना है, वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3 प्लस 2 माइनस 1 आ गया डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ से बनेगा माइनस 1 माइनस 8 प्लस 3। सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करने से यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस ऑफ 4 आ गया डिवाइडेड बाय यहाँ से आएगा हमारे पास माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6 आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 6 आपस में कैंसिल होके 2/3 आ गई, यहाँ से ये वैल्यू आ गई रिस्पेक्टिवली। बाकियों के लिए और वैल्यू निकाल लें, अब अगर या तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से m बराबर 1 के लिए, m इक्वल्स टू 1 के लिए हमारे पास c इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, c इक्वल्स टू 2/3 मिल रहा है, तो इक्वेशन क्या लेनी थी y इक्वल्स टू m, m की वैल्यू 1 है, x प्लस सी, ये वैल्यू आनी थी हमारे पास, तो एक तो अनंत स्पर्शी हमारे पास यहाँ से ही आ गई। या तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर इतना ही छोड़ सकते हैं, एक अनंत स्पर्शी हमने निकाल दी, अब हमारा टारगेट है दूसरे अनंत स्पर्शी निकालने का। इसके लिए हम क्या करेंगे, m इक्वल्स टू लेंगे अब माइनस 1, एक प्लस 1 था एक माइनस 1 था और एक 4 वैल्यू थी, तो अब m इक्वल्स टू माइनस 1 लेंगे, तो c की वैल्यू क्या आएगी माइनस 3 into, यहाँ से माइनस m रखेंगे तो माइनस 2 आ गया और माइनस 1 ही है, माइनस 1 ही तो आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो माइनस तो ऑलरेडी रहेगा ही, डिवाइडेड बाय यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस 1 प्लस का 8 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 into माइनस 1 का स्क्वायर आएगा यहाँ से, आपको ये देखना है क्योंकि यही तो आएगा 3 into माइनस 1 का स्क्वायर, और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 ही तो होता है, तो यहाँ से आ गया, इसके केस में माइनस माइनस प्लस हो गया था। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 बराबर 0, तो ओवरऑल वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ से m बराबर माइनस 1 पर c बराबर आपको क्या मिल रहा है 0, तो y बराबर m x प्लस c था, तो y बराबर m की वैल्यू माइनस 1 और x प्लस सी, सी का मान 0, तो ये आ गई हमारे पास यहाँ से दूसरी अनंत स्पर्शी। अब हमारा टारगेट है तीसरी अनंत स्पर्शी निकालने का, तो जब तीसरी अनंत स्पर्शी हम यहाँ से निकालेंगे, सी की वैल्यू क्या लेंगे, सी की वैल्यू लेंगे हम यहाँ से 4, तो अब अगर एम सी की वैल्यू 4 नहीं सॉरी एम की वैल्यू लेंगे 4, तो एम इक्वल्स टू 4 लेंगे, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आएगी
प्लस 2 इंटू 4 माइनस ऑफ 4 स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई 1। यहां से हमारे पास ये तो थी वैल्यू और साथ ही माइनस भी लग रहा है, तो माइनस हम यहां से ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। एंड माइनस 1, माइनस 1 और माइनस ऑफ 8 इंटू 4 और प्लस ऑफ 3 इंटू 4 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें, वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इक्वल्स टू आएगा माइनस 3 प्लस 8 माइनस 16 डिवाइडेड बाई, हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1 माइनस 32 और 16 16 3 48। उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, प्लस 1 बाई 3 आ जाएगा यहाँ से। तो m इक्वल्स टू 4 के लिए c इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से c इक्वल्स टू आ गया 1 बाई 3। तो y इक्वल्स टू हमारे पास m x प्लस c, ये आ गई हमारे पास यहाँ से हमारी तीसरी अनंत स्पर्शी एसिम्प्टोट जो हमें फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ से हमने तीनों अनंत स्पर्शियां निकाल ली है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और हम इसी मेथड पे देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ से x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर इंटू y माइनस ऑफ x y स्क्वायर माइनस ऑफ 2y क्यूब प्लस ऑफ x इंटू y माइनस ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमें यहाँ से इक्वेशन दी है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लाने से ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब यहाँ से अगर पावर्स में देखिए, यहाँ से इसकी पावर 3 है फर्स्ट टर्म की, सेकंड टर्म में भी 2 प्लस 1, टोटल पावर 3 तो आई है, जैसे एक्स स्क्वायर और वाई है तो टोटल पावर देखेंगे, पावर तो 3 आएगी, यहाँ से भी हमारे पास टोटल पावर 3 है, इसमें भी टोटल पावर 3 है, तो यहाँ तक तो टोटल पावर 3 आ गया। इसके नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ से पावर 2 है एक्स इंटू वाई, एक पावर एक्स की एक पावर वाई की, माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से एक 2 पावर यहाँ तक हो गई और माइनस 1 0 पावर के साथ ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, फाइव 3 देखना है, फाइव 3 सी से बनेगा, फाइव 3 एम निकालेंगे एन की वैल्यू, तो टोटल पावर यहाँ से 3 आएगी। तो यहाँ से अगर टोटल पावर 3 आएगी, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, वाई इक्वल्स टू हम सबसे पहले क्या रखेंगे, एक्स इक्वल्स टू 1 लेंगे और वाई इक्वल्स टू हम यहाँ से एम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइव 3 एम आएगा। यहाँ से 3 पावर वाले में देखना है, 3 पावर है हमारे पास यहाँ से इसकी, इसको टारगेट कर रहे हैं हम यहाँ से इस पार्ट को, तो इसमें पावर 3 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1 आ गया प्लस 2 एम आ गया, माइनस का एम स्क्वायर आ गया, माइनस का 2 एम क्यूब आ गया, इक्वल्स टू इसे रख देंगे 0 के रेस्पेक्टिवली। 5 2 एम भी देख लेते हैं, 5 2 एम हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी 5 2 एम के लिए, तो x की जगह 1 y की जगह n, तो m माइनस एम स्क्वायर ये वैल्यू इसमें मिलेगी। तो पहले हम 5 एम को सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 5 एम को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, सीन्स 5 3m हम देख रहे थे, 5 3m में अगर हम यहाँ से देखें, पहले दो पार्ट को 1 प्लस 2m रहने देंगे, नेक्स्ट दो पार्ट में से हम यहाँ से माइनस m स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, तो वैल्यू आएगी 1 प्लस 2m इक्वल्स टू आ गया 0। अब अगर 1 प्लस 2m दोनों में से हम कॉमन ले लें तो वैल्यू बचेगी 1 माइनस m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फिर से इसके तीन डिस्टिंक्ट रूट आ गए, 1 प्लस 2m, 1 माइनस m और 1 प्लस m इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 0। तो m की क्या क्या वैल्यू आ गई, m की एक वैल्यू तो बनी है हमारे पास यहाँ से माइनस ऑफ 1 बाई 2, दूसरी वैल्यू बनी है माइनस 1, तीसरी वैल्यू बनी है प्लस 1, ये तीन वैल्यू आ गई, डिस्टिंक्ट वैल्यू आ गई। तो c की वैल्यू निकालनी है, c इक्वल्स टू हम क्या रखते हैं, c इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5 2 एट पॉइंट m डिवाइडेड बाय 5 डैश डिवाइडेड बाय आएगा हमारे पास यहाँ से 5 1 डैश 5 3 डैश m। तो 5 3 m हमें फाइंड आउट करना होगा, 5 3 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू m, यहाँ से ये वैल्यू है हमारे पास 5 3 की, तो यहीं से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं या फिर हम दोबारा लिख के अगर डिफरेंशिएशन करें, सीन्स 5 3 इक्वल्स टू हमारे पास क्या बना है, 5 3 m है हमारे पास यहाँ से m क्यूब 1 प्लस 2 m माइनस ऑफ यहाँ से आए हमारे पास m स्क्वायर माइनस ऑफ 2 m क्यूब आए, डिफरेंशिएशन करेंगे 5 3 at m is equals to 1 का differentiation 0 2 minus of 2m minus of 8m 8 नहीं sorry 6 आएगा यहाँ से 3 into 2 6 m square आएगा, 2 हम common भी ले सकते हैं, तो अगर हम यहाँ से इसमें 2 common ले लें तो value क्या आ गई हमारे पास 1 minus m minus 3m square, ये तो 5 2 m की value आ गई, और 5 2m की value हमने यहाँ से निकाली हुई थी m minus m square, तो इसमें से हम m कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस m बचेगा, साथ ही यहाँ से हमने माइनस लगा देना है, m की तीन वैल्यूज है रेस्पेक्टिवली c की वैल्यूज हम निकालते जाते हैं। तो यहाँ से 1 बाय 1 हम अगर सॉल्व करते जाएं
तो अगर हम यहां से फर्स्ट कंडीशन लेते हैं m इक्वल्स टू 1 बाई टू माइनस में, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से माइनस 1 बाई टू रखेंगे तो माइनस 1 बाई टू इंटू माइनस माइनस हो गया प्लस हमारे पास यहां से, और 1 माइनस माइनस 1 बाई टू, तो 1 प्लस 1 बाई टू आ गया डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहां से आएगा 1 माइनस m, m की जगह 1 बाई टू तो रखेंगे, यहां से आएगा हमारे पास 1 बाई टू, तो माइनस 1 बाई टू करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस 1 बाई टू, और यहां से माइनस ऑफ 3 बाई m का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये वैल्यू आई। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहां से वैल्यू क्या बनेगी, m इक्वल्स टू माइनस 1 बाई टू पे वैल्यू आ रही है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू बन गई हमारे पास 1 बाई 4 आ जाएगी, 1 बाई 2 आएगी वैल्यू, या तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए 1 बाई 2 इंटू 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ से एलसीएम बन रहा है इसका 4 हमारे पास, यहाँ से आएगा हमारे पास 4 प्लस 2 माइनस 3, सिंप्लीफाई करें वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसके लिए सी इक्वल्स टू बन रहा है 1 बाई, ये तो आ रहा है 3 बाई 4, और इसको कैंसिल आउट कर देंगे ये आ जाएगा 2, यहाँ से 6 माइनस 3 3 आ गया, तो ये आएगा 3 और 2 जाएगा ऊपर, सिंप्लीफाई करेंगे 4 2 कैंसिल आउट 2 आ गया, 3 2 3 कैंसिल आउट, तो सी की वैल्यू आ गई है 1 बाई 2। तो हमने यहाँ से क्या निकाला है, m इक्वल्स टू हाफ के लिए, अगर अब हम यहाँ से देखें m इक्वल्स टू हमने क्या लिया है प्लस हाफ, m इक्वल्स टू प्लस हाफ माइनस ऑफ हाफ के लिए c इक्वल्स टू आया प्लस हाफ, तो इसके केस में हमारे पास y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी था, y इक्वल्स टू हमने लेना होता है एम एक्स प्लस सी, तो m की वैल्यू माइनस हाफ x प्लस सी की वैल्यू प्लस हाफ, सिंप्लीफाई कर लें तो 2y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस 1, या फिर इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल्स टू 1, पहली तो हमारे पास असिम्प्टोट या अनंत स्पर्शी आ गई ये। अब निकालते हैं अगली अनंत स्पर्शी, चलिए अब लेंगे m की वैल्यू माइनस 1, m की वैल्यू माइनस 1 के केस में c की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस माइनस हो गया प्लस 1, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 1 आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और c की वैल्यू आ गई माइनस 1। तो अब अगर यहाँ से इस कंडीशन में देखें m की वैल्यू हमने यहाँ से क्या ली थी, m की वैल्यू तो बनी, अब यहाँ से हमने सबसे पहले m की वैल्यू माइनस 1 ली थी, तो c की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1 आ गई, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी था, तो सिंप्लीफाई कर लें तो एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 0। अगली असिम्प्टोट बन गई हमारे पास यहाँ से ये, तीसरी असिम्प्टोट और निकालनी है, तो तीसरी असिम्प्टोट के लिए हमने m की वैल्यू क्या लेनी है, m की वैल्यू हमारे पास प्लस 1 और आई थी, तो m इक्वल्स टू प्लस 1 के लिए और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ से m की वैल्यू लेते हैं प्लस 1, m इक्वल्स टू प्लस 1, तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 3, 1 माइनस 1 0 आ गया, तो m इक्वल्स टू यहाँ से हमारे पास क्या बना है, m इक्वल्स टू प्लस 1 के लिए c इक्वल्स टू बना है हमारे पास यहाँ से 0, तो सिंप्लीफाई करेंगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस c की वैल्यू 0, तो ये आ गए हमारे पास तीसरे असिम्प्टोट, यहाँ से हमने तीनों असिम्प्टोट फाइंड आउट कर ली है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें कर्व की इक्वेशन यहाँ से हमारे पास दी हुई है y क्यूब, ये दिया हुआ है यहाँ से y क्यूब प्लस y क्यूब माइनस ऑफ x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर प्लस ऑफ 2x क्यूब माइनस ऑफ 7xy प्लस ऑफ 3y स्क्वायर प्लस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 2y एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम यहाँ से देखें इसमें यहाँ से इसकी पावर हमारे पास सबसे फर्स्ट टर्म की पावर 3 दी हुई है, सेकंड टर्म की भी पावर 3 है, थर्ड टर्म की भी पावर 3, फोर्थ टर्म तक यहाँ से हमारे पास पावर 3 है। इसके नेक्स्ट अगर देखते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास अगर यहाँ पर देखें तो ये अगला जो पार्ट है इसमें हमारे पास पावर 2 आ गई, यहाँ भी पावर 2 है और यहाँ भी पावर 2 है, तो यहाँ तक अगला पार्ट हो गया हमारे पास। इसके नेक्स्ट हमारे पास अगर प्लस 2x से देखें प्लस 2y तक हमारे पास यहाँ से थर्ड पार्ट हो गया, ये कॉन्स्टेंट जीरो पावर के साथ पार्ट हो गया, यहाँ से ये हमारे पास माइनस इसके अंदर आएगा। तो अगर सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने का मेथड क्या रहेगा, x इक्वल्स टू तो आपको रखना है 1, y इक्वल्स टू रखना है n, हाईएस्ट पावर 3 है तो फाई 3m आएगा, फाई 3m की वैल्यू यहाँ से इसमें देखेंगे, ये पार्ट आ गया, y की जगह m रखते जाएं, तो m क्यूब आ गया, माइनस का m आ गया, माइनस ऑफ 2m स्क्वायर आ गया और प्लस ऑफ 2 आ गया, ये वैल्यू आएगी। इसके नेक्स्ट हम अगर फाई 2m और चेकआउट करें, फाई 2m इसके नेक्स्ट पार्ट है, तो माइनस 7m आ गया, x की जगह 1 रखना है, y की जगह m रखना है, प्लस 3m स्क्वायर आ जाएगा और प्लस ऑफ 2 आ गया,
इतनी ही आपको वैल्यू निकालनी थी। अगर आगे इसके रूट्स देखेंगे, रिपीटेड रूट्स आएंगे उसके केस में लिखेंगे। तो अब अगर हम क्या करेंगे यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, फाइव थ्री एम इक्वल्स टू हम रख रहे हैं जीरो। फाइव थ्री एम अगर जीरो रख रहे हैं तो एम स्क्वायर एम क्यूब माइनस टू एम स्क्वायर माइनस ऑफ एम प्लस ऑफ टू इक्वल्स टू जीरो रखेंगे। तो यहाँ से अगर फर्स्ट दो टर्म को देखें तो हमारे पास एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो एम माइनस टू रिमेनिंग टर्म रहेगी। नेक्स्ट में हम माइनस कॉमन लेंगे तो एम माइनस टू इक्वल्स टू जीरो आ गया। दोनों टर्म में एम माइनस टू आ गया हमारे पास कॉमन, तो रिमेनिंग टर्म आएगी एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो एम के रूट्स क्या क्या आ गए, एम इक्वल्स टू टू आएगा, प्लस वन आएगा, माइनस वन आएगा, तीन रूट्स आ गए, तीनों डिस्टिंक्ट आए। अब हम यहाँ से इसी इक्वेशन से सिंप्लीफाई कर लें। अगर इसी इक्वेशन से हम यहीं पे सिंप्लीफाई कर लें, फाइव थ्री डैश एम की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ये वैल्यू आ जाएगी थ्री एम स्क्वायर आएगा यहाँ से हमारे पास। नेक्स्ट वैल्यू माइनस वन और माइनस ऑफ फोर एम, ये आ गया हमारे पास फाइव डैश थ्री एम। तो अब हमने क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी। सी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास मेथड क्या रहेगा, माइनस ऑफ फाइव थ्री एम फाइव टू एम सॉरी डिवाइडेड बाई फाइव थ्री डैश एम। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लें तो फाइव टू एम की वैल्यू हमने यहीं पे निकाली हुई है। फाइव टू एम की वैल्यू हमारे पास यहाँ से है क्या, ये रही, जो कि है हमारे पास यहाँ से माइनस तो लगा देंगे, माइनस सेवन एम है प्लस ऑफ थ्री एम स्क्वायर है और प्लस ऑफ टू है डिवाइडेड बाय फाइव थ्री डैश एम भी हमने निकाला हुआ है, थ्री एम स्क्वायर माइनस वन माइनस ऑफ फोर एम। अब एम की वैल्यू वन बाय वन रखते हुए हम वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब वैल्यू करते हैं सिंप्लीफाई। सबसे पहले c इक्वल्स टू हम क्या लेंगे, m इक्वल्स टू हम रख रहे हैं प्लस वन, m की एक वैल्यू प्लस वन है तो c की रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या आ जाएगी, c इक्वल्स टू माइनस माइनस, यहाँ से माइनस लगा देते हैं, माइनस सेवन प्लस थ्री प्लस टू आएगा, डिवाइडेड बाई आ रहा है हमारे पास यहाँ से, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा थ्री माइनस वन माइनस फोर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से फाइव माइनस टू सेवन माइनस सेवन प्लस फाइव, तो माइनस टू आएगा, माइनस माइनस प्लस टू आ गया, डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ से थ्री माइनस वन टू माइनस ऑफ यहाँ से आएगा हमारे पास माइनस टू रिमेनिंग रहेगा, माइनस सिक्स आ गया। तो वैल्यू आ गई हमारे पास सी की रेस्पेक्टिव वैल्यू, सॉरी यहाँ से वैल्यू माइनस प्लस टू माइनस फोर है तो प्लस माइनस ऑफ टू आएगा ना, यहाँ से माइनस टू आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू माइनस वन आ गई है। तो यहाँ से m इक्वल्स टू वन के लिए आपको c इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, माइनस वन मिल रहा है। तो y इक्वल्स टू एम एक्स, एम की वैल्यू वन रखनी है, x की जगह x रखना है, c की जगह माइनस वन रखना है। सिंप्लीफाई करेंगे y की वैल्यू आ रही है x माइनस वन, ये आ गया हमारे पास पहला असिम्प्टोट। रेस्पेक्टिवली अगला असिम्प्टोट निकालें। अगली वैल्यू के लिए m की वैल्यू आपको क्या चाहिए, m की वैल्यू हम ले रहे हैं माइनस वन, तो c की वैल्यू निकालते हैं क्या आएगी, c इक्वल्स टू माइनस माइनस वन रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस सेवन हो गया, प्लस का थ्री आ जाएगा, प्लस का टू आ जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारे पास यहाँ से रेस्पेक्टिव वैल्यू बन रही है थ्री बाई थ्री माइनस वन प्लस फोर आएगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो सी की वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई करने से माइनस ऑफ टू, तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स, एम की जगह माइनस वन इंटू एक्स प्लस सी। सिंप्लीफाई करते हैं तो वाई इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास यहाँ से, वाई इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस एक्स माइनस टू, ये आ गया हमारे पास अगली एसिम्प्टोट। एक वैल्यू और है रेस्पेक्टिवली, अगर एक वैल्यू के लिए और निकाले, m इक्वल्स टू क्या लेना होगा आपको टू, तो m इक्वल्स टू अगर टू लेते हैं तो उसके केस में c इक्वल्स टू आएगा माइनस ऑफ थ्री इंटू टू का स्क्वायर माइनस सेवन इंटू टू प्लस ऑफ टू डिवाइडेड बाय, अगली वैल्यू सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये है हमारे पास थ्री एम स्क्वायर, थ्री इंटू एम स्क्वायर माइनस ऑफ फोर इंटू एम माइनस ऑफ वन। सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, चार तीन बारह, सी इक्वल्स टू बन गया माइनस का बारह माइनस चौदह प्लस दो, वैल्यू जीरो आ रही है। डेनोमिनेटर आप और सिंप्लीफाई कर लीजिए, डेनोमिनेटर सिंप्लीफाई करने से वैल्यू आएगी छह तीन अट्ठारह, चार तीन बारह आएगा सॉरी यहाँ से बारह माइनस आठ माइनस एक। सिंप्लीफाई करने से ओवरऑल वैल्यू जीरो आ रही है, तो वाई इक्वल्स टू एम की वैल्यू टू है, एक्स प्लस सी की वैल्यू जीरो है। सिंप्लीफाई करते हैं वाई इक्वल्स टू टू एक्स। तो यहाँ से हमने तीनों असिम्प्टोट निकाल ली है, एक असिम्प्टोट आई है ये, दूसरी असिम्प्टोट आई है ये, और तीसरी असिम्प्टोट बनी है हमारे पास यहाँ से ये, तीनों हमारे पास यहाँ से इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर है जो हमने फाइंड आउट करने थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं रिपीटेड रूट्स के लिए। तो रिपीटेड रूट अगर यहाँ से है तो हम उसके केस में क्या करेंगे, तो क्वेश्चन हमें यहाँ से दिया हुआ है वाई क्यूब माइनस ऑफ
एक्स वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस ऑफ एक्स क्यूब प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से ये इक्वेशन दी हुई, इसको सॉल्व करने के लिए हम प्रोसेस क्या काम मिलेंगे, सेम प्रोसेस काम मिलेंगे। अगर अब हम यहाँ से देखें इतने पार्ट तो हमें यहाँ से थ्री टाइम में दिया हुआ है, एफ थ्री दिया हुआ है। इसके नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से हमें ये दिया हुआ है एफ टू जिसमें पावर टू तक दी हुई है। इसके नेक्स्ट हम देखें यहाँ से ये कांस्टेंट है तो पावर जीरो है, तो एफ जीरो हमें यहाँ से दिया हुआ है। तो एफ थ्री यहाँ से प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एफ थ्री इसलिए लिखा हुआ है घात यहाँ से तीन बन रही है। तो हमने अब यहाँ से करना है x इक्वल टू वन पुट करना है, y इक्वल टू m पुट करना है। तो फाइव थ्री एफ थ्री जो बनेगा वो हमारे पास फाइव थ्री एम में बदल जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, एम क्यूब माइनस ऑफ एम स्क्वायर माइनस ऑफ एम प्लस ऑफ वन इक्वल्स टू, यहाँ से इसको जीरो के इक्वल रखेंगे इसके बाद हम सॉल्व करने के लिए। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, एम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एम माइनस वन, माइनस वन कॉमन लेंगे तो एम माइनस वन इक्वल्स टू आ गया जीरो। दोनों टर्म में से एम माइनस वन कॉमन आ गया तो एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू आ जाएगा जीरो। सिंप्लीफाई करेंगे तो एम के तीन मान आ चुके हैं, प्लस वन और माइनस वन, ये हमारे पास मान बन चुका है, अर्थात यहाँ से हमारे पास रिपीटेड रूट्स आ गए। अब फाइव टू एम देख लेते हैं, फाइव टू एम की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, यहाँ से वन आ जाएगा माइनस ऑफ एम स्क्वायर, ये तो आएगा। एफ टू में एक्स इक्व टू वन रख देंगे, वाई इक्व टू एम रख देंगे, वन माइनस एम स्क्वायर आ गया। और फाइव वन है, फाइव वन एफ वन से आएगा, एफ वन है ही नहीं यानी एफ वन की वैल्यू जीरो है, तो फाइव वन की वैल्यू जीरो आ गई, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से नॉन रिपीटेड रूट के केस में देख लेते हैं, तो नॉन रिपीटेड रूट के केस में सी इक्व टू हमारे पास क्या बनेगा, अब अगर हम यहाँ से सी लिखना चाहें तो सी इक्व टू आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ फाइव टू एम डिवाइडेड बाई फाइव थ्री डैश एम आएगा। तो फाइव टू एम की वैल्यू तो वन माइनस एम स्क्वायर है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ गया प्लस का और ये आ जाएगा माइनस का डिवाइडेड पर। अब हमारे पास फाइव थ्री डैश करना है तो फाइव का डिफरेंशिएशन, फाइव थ्री का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से इस समीकरण का हमने एम के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से थ्री एम स्क्वायर माइनस का टू एम और माइनस का वन। अब हमने वैल्यू किस पे निकालनी है, नॉन रिपीटेड रूट, ये तो है जो हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा, तो एम इक्वल टू माइनस वन लेंगे तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन और माइनस वन प्लस माइनस वन का वर्ग, बट्टे में आ रहा है हमारे पास। यहाँ से मान क्या आ रहा है, यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ रही है हमारे पास तीन गुणा माइनस एक का स्क्वायर माइनस का दो गुणा माइनस एक माइनस एक। सिंप्लीफाई करते हैं ये आएगा प्लस एक माइनस एक आ गया जीरो। तो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी लेना था तो एम एक्स प्लस सी का मान है जीरो। सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई बराबर माइनस का एक्स आ रहा है, या फिर इसका पक्षांतरण करके y प्लस एक्स बराबर हम लिख देंगे जीरो। ये आ गया हमारे पास यहाँ से पहला असिम्प्टोट। अब हमारे पास उसमें रिपीटेड रूट आ रहे हैं, रिपीटेड रूट के केस में हमारे पास यहाँ से c का मान क्या होगा, c का मान निकालते हैं हम यहाँ से एक बट्टे दो सी स्क्वायर फाइव थ्री डबल डैश m, क्योंकि हमारे पास ये तो रहता है फाइव n लिख देते हैं चाहे यहाँ, फाइव n प्लस सी फाइव डैश एन माइनस एक एट पॉइंट एम प्लस फाइव एन माइनस दो एट पॉइंट एम इक्वल टू जीरो। अब एन की वैल्यू हमारे पास तीन है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक बट्टे दो सी स्क्वायर फाइव थ्री डबल डैश एट पॉइंट एम प्लस सी इंटू फाइव तीन माइनस एक दो आएगा डैश एम प्लस फाइव एक एम आएगा इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से इसकी वैल्यू तो हमारे पास जीरो है, बाकियों की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बाकियों की अगर वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करें, एक बार तो हमने यहाँ से इस पहले इसको अवकलित कर लेते हैं, इसको अगर अवकलन करेंगे फाइव थ्री हमारे पास यहाँ से ये है तो फाइव थ्री का जो डिफरेंशिएशन आएगा फाइव थ्री डैश इक्वल टू क्या आ गया थ्री एम स्क्वायर माइनस ऑफ टू एम माइनस ऑफ वन। हमें टू टाइम डिफरेंशिएशन चाहिए था तो फाइव थ्री डबल डैश इक्वल टू सिक्स एम माइनस टू आ गया। एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास यहाँ से ये, एक हमने करना है फाइव टू का डिफरेंशिएशन, फाइव टू है हमारे पास यहाँ से ये, इसका अवकलन आएगा हमारे पास माइनस का दो एम। और फाइव वन की वैल्यू तो खैर है ही हमारे पास जीरो, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सिक्स एम माइनस टू आया है एक तो हमारे पास, एक तो आया है हमारे पास वन बाई टू सी स्क्वायर, यहाँ से आया है सिक्स एम माइनस टू और प्लस सी इंटू यहाँ से माइनस ऑफ टू एम आया है इक्वल्स टू है जीरो। अब यहाँ से दो कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें इक्वेशन में, वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर थ्री एम माइनस वन माइनस ऑफ टू एम सी इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से एम की रिपीटेड वैल्यू कौन सी थी, एम इक्वल्स टू यहाँ से दो बार रिपीट कौन सी वैल्यू हुई है, प्लस वन, ये तो आया है प्लस वन हमारे पास यहाँ से दो बार रिपीट हुआ है। तो एम इक्वल्स टू प्लस वन के लिए सी का मान निकालना है तो यहाँ से हम लिखेंगे वेन व एम इक्वल्स टू प्लस वन सी स्क्वायर, यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी सी स्क्वायर इंटू थ्री माइनस वन माइनस ऑफ टू, एम की वैल्यू वन लेनी है टू सी इक्वल्स टू जीरो। सिंप्लीफाई करते हैं दोनों में से सी आएगा कॉमन, ये आएगा हमारे पास टू सी
माइनस ऑफ, यहाँ से टू भी कॉमन ले ले जाए, माइनस ऑफ टू इक्वल टू आ रहा है जीरो, तो सी की एक वैल्यू तो हमारे पास आ रही है यहाँ से जीरो, और एक वैल्यू आ रही है टू सी माइनस ऑफ टू इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज सी इक्वल टू वन आ जाएगा, सी की दो वैल्यू आ गई, तो यहाँ से एक वैल्यू तो है एम का मान हमारे पास क्या आया है प्लस वन, एम इक्वल टू प्लस वन, सी इक्वल टू जीरो पर वाई इक्वल टू क्या आ रहा है एम एक्स, तो वाई इक्वल टू एक्स आ गया, और एम सी इक्वल टू अगर प्लस वन लेंगे तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक आ गया हमारे पास ये, यहाँ से ये दो अलग अलग एसिम्प्टोट्स हमारे पास बन जाएगी। तो यहाँ से हमने हमारा एक क्वेश्चन कर लिया, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हम अगला मेथड काम में लेंगे, आई थिंक आपको ये मेथड समझ आ ही गया होगा हमने किस प्रोसेस से काम करना है। अगले मेथड में हम लेंगे हमारा जो अगर कर्व दिया हुआ, कर्व इस फॉर्मेट में दिया हुआ फाइव एन प्लस फाइव एन माइनस टू इक्वल टू जीरो टाइप से, तो इसके लिए जो एसिम्प्टोट रहेगी, एसिम्प्टोट आएंगे हमारे पास रूट्स, रूट्स या मूल, किसके रूट्स हमारे पास फाइव एन इक्वल टू जीरो को सॉल्व करेंगे, इसके जो रूट्स आएंगे वो ही हमारा आंसर होगा। जैसे अभी तक हमने सॉल्व किया था उसी टाइप से हम इसके भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये हमारे पास इसी का फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेंगे एग्जाम्पल, ये कहता है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस ऑफ वाई क्यूब माइनस ऑफ थ्री एक्स माइनस ऑफ वाई माइनस ऑफ वन इक्वल टू जीरो। अब अगर आप यहाँ से देखो, इसमें हमारे पास यहाँ तक ये क्या बन रहा है, तीन रूट्स है, मतलब पावर तीन है, पावर तीन है तो एफ थ्री है, यहाँ से हमारे पास इनके लिए पावर वन है तो एफ वन आ गया, यहाँ से पावर जीरो है तो ये आ गया एफ जीरो। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये फॉर्मेट बन रहा है हमारे पास एफ एन के बाद एफ एन माइनस टू है सीधा, आगे कुछ भी हो फंक्शन, ऐसा नहीं है इसके आगे फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन हो सकता है, बट यहाँ से बीच में हाईएस्ट पावर के बाद सेकेंड हाईएस्ट पावर उससे एक कम और होनी चाहिए, जैसे एफ थ्री के बाद एफ वन आना चाहिए, एफ फोर के बाद एफ टू आना चाहिए, ये प्रोसेस रहेगी, तो हम ये प्रोसेस लगा सकते हैं। इसके केस में हम सेम प्रोसेस लगाएंगे। अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन को भी उसी फॉर्मेट से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ से अगर इस तरीके से करेंगे तो इजीली हो जाएगा। आपको क्या करना है, एफ थ्री इक्वल टू जीरो के ही तो रूट्स निकालने हैं, तो एफ थ्री की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, वाई को कुछ यू लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, माइनस वाई क्यूब इक्वल टू आप रखेंगे यहाँ से जीरो। तो सॉल्व करते हैं, स्टार्टिंग की दो टर्म में से हम क्या देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो वैल्यू क्या रिमेनिंग है एक्स प्लस वाई, नेक्स्ट के दो टर्म में से वाई स्क्वायर माइनस के साथ कॉमन आएगा तो यहाँ से एक्स प्लस वाई आ गया इक्वल टू आ जाएगा जीरो। तो दोनों में अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक तो एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से हमारे पास जीरो। तो अब अगर आप इसे आगे सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास यहाँ से इसके रूट सिंप्लीफाई करेंगे, एक वैल्यू तो आ रही है हमारे पास यहाँ से एक्स प्लस वाई, और यहाँ से हमारे पास बनेगा x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास जीरो। तो यहाँ से एक रूट तो ये आ गया और बाकी दोनों रूट सेम आने के केस में यहाँ से c के अलग अलग वैल्यूज आएगी। अब हम c के अलग अलग वैल्यूज तो उसी तरीके से निकालनी होगी, अदरवाइज आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू वाई हमारे पास यहाँ से एक इसका असम्प्टॉट होगी, एक ही असम्प्टॉट तो ये आ गई, और एक हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी के केस में बनेगी। यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू हमने अलग अलग फाइंड आउट करनी है, तो आप उसी प्रोसेस से अगर निकालेंगे तो सी की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ से एक असम्प्टॉट तो हमने। अब अगर यहाँ से देखते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, एक अनंत स्पर्शी तो ये आएगी आएगी, पर यहाँ से ये रिपीटेड है, रिपीटेड है तो इसके केस में इसकी घात अगर देखें तो घात है तीन, तो अधिकतम तीन इसकी अनंत स्पर्शियाँ आ सकती है, एक तो आ जाएगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, एक आएगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, एक तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, एक एक्स इक्वल टू वाई आ गए। अब यहाँ से एक अनंत स्पर्शी और हो सकती है, उसके केस में आप सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ने फाइंड आउट कर ली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ से बस इस मेथड का ये लॉस होता है, इसके केस में हम सी की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, पहले वाले मेथड में हम सी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। अब अगर अगले क्वेश्चन में देखें, अगला क्वेश्चन भी हमारे पास इसी फॉर्मेट का है, अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस ऑफ थ्री ए एक्स वाई, इस फॉर्मेट का तो नहीं है, यहाँ से पावर में टू का डिफरेंस नहीं है, लाइक ये हमारे पास एफ थ्री आ गया, अगर इसको चेकआउट करें ये तो आ गया हमारे पास एफ थ्री, यहाँ से दो घात हो रही है तो ये आ गया एफ टू, तो पहले वाले फॉर्मेट का तो नहीं है। अगर यहाँ से एक्स के हाइएस्ट हाईएस्ट एक्स की जो पावर है उसके कोफिशियंट को जीरो के बराबर हम नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ से पावर वन है और इसमें भी वैल्यू वन आ रही है, तो कोफिशियंट वन है, वन डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो यहाँ से एक्स और वाई अक्ष के समांतर तो हमारे पास कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स की जगह वन रखेंगे, वाई की जगह एम रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, एफ थ्री की वैल्यू फाइव थ्री में बदल जाएगी, फाइव थ्री एम आ जाएगा, वन प्लस एम क्यूब, वन प्लस एम क्यूब को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से इक्वल टू क्या रखते हैं, फाइव थ्री एम इक्वल टू जीरो रखेंगे, जीरो रखने से हमारे पास वन प्लस एम क्यूब इक्वल टू जीरो आएगा, यहाँ से रियल रूट एक ही आएगा, बाकी काल्पनिक आएंगे या फिर इमेजिनरी आएंगे, तो एम की वैल्यू हमारे पास माइनस
वन आ गया, एम की वैल्यू माइनस वन आएगी, बाकी दो रूट काल्पनिक आ रहे हैं। तो फाइव टू और देख लेते हैं, फाइव टू एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस थ्री ए, एम ही तो आएगी यहाँ से, तो हमने सी निकालना है, सी इक्वल टू माइनस ऑफ फाइव टू एम डिवाइडेड बाई फाइव थ्री डैश करना है, डिवाइडेड बाई फाइव थ्री डैश एम। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस थ्री ए एम आ गया हमारे पास, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई वैल्यू आ रही है हमारे पास इसका डिफ्रेंसिएशन, जो कि थ्री एम स्क्वायर की इक्वल है, थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एम से एक एम कैंसिल आउट हो गया, ए बाई एम आ गई। एम की वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ से माइनस वन है तो रेस्पेक्ट टू सी की वैल्यू आएगी ए बाई माइनस वन, विच इज इम्प्लाई सी इक्वल टू माइनस ऑफ ए, सी की वैल्यू माइनस ए आ गई, तो वाई इक्वल टू हमारे पास अनंत स्पर्शी क्या आएगी, वाई इक्वल टू एम एक्स, एम की वैल्यू माइनस वन, एक्स की वैल्यू एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू है हमारे पास माइनस ए, सिंप्लीफाई करते हैं, y प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो आ गई हमारे पास यहाँ से इसकी अनंत स्पर्शी। तो निकलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है हमने अनंत स्पर्शियां फाइंड आउट करनी है, y स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए की पावर तीन की। अब अगर हम यहाँ से देखें x अक्ष या y अक्ष के समांतर देख सकते हैं, अब y की मैक्स पावर अगर हम देखें, y की, y की यहाँ से हमने मैक्स पावर देखनी है, मैक्स पावर हमारे पास कितनी आएगी, x की, y की मैक्स पावर है y स्क्वायर, y की अधिकतम घात y स्क्वायर ही तो है जो कि यहाँ रही है हमारे पास, इसका गुणांक हमारे पास x माइनस बी है, यही तो है, इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x बराबर बी हमारे पास यहाँ से इसकी एक अनंत स्पर्शी आ गई वाई अक्ष के समांतर रेस्पेक्टिवली। अब अगर हम यहाँ से देखें इसकी हाइएस्ट पावर दी हुई कितनी है, एक्स की पावर तीन, तो हाइएस्ट पावर तीन दी हुई है, तो यहाँ से टोटल हाइएस्ट तीन अनंत स्पर्शियां एग्जिस्ट कर सकती है, एक तो हमने फाइंड आउट कर ली, बाकी दो भी तो होगी अगर, तो हमें फाइंड आउट करनी है। अब x अक्ष के समांतर तो निकल नहीं सकती क्योंकि x क्यूब है हाईएस्ट पावर x की और इसका गुणांक है हमारे पास एक, अब एक का मान तो जीरो होगा नहीं, तो x अक्ष के सापेक्ष कोई अनंत स्पर्शी नहीं है, y अक्ष के समांतर तो हमने ये अनंत स्पर्शी निकाल ली है। इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं, सिंपलीफाई करेंगे तो x क्यूब माइनस y स्क्वायर इंटू x आ जाएगा और प्लस ऑफ बी वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ऑफ ए क्यूब इक्वल्स टू जीरो। इस फॉर्मेट में हम यहाँ से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब यहाँ से इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्मेट में तो लिख दिया है, इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखने के बाद अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ तो पावर तीन है, ये एफ थ्री है, ये है हमारे पास एफ टू और ये है हमारे पास एफ जीरो, ये तो दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, वाई की जगह तो रिप्लेस करेंगे यहाँ से एम, एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे वन, सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइव थ्री एम आ जाएगा, फाइव थ्री एम क्या आ रहा है हमारे पास वन माइनस एम स्क्वायर, और रेस्पेक्टिवली फाइव टू एम हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है बी एम स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहले तो फाइव थ्री एम को रखेंगे जीरो के इक्वल, जीरो के इक्वल रखेंगे तो वन माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ गया, एम की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस एक, दो वैल्यू आ गई, दोनों के लिए अनंत स्पर्शियां फाइंड आउट करेंगे। तो फाइव थ्री डैश हमने निकालना है, फाइव थ्री का हम अवकलन करेंगे यहाँ से, अगर फाइव थ्री का हम अवकलन कर दें, फाइव थ्री डैश एम आ जाएगा, अवकलन आएगा हमारे पास माइनस का दो एम, हमने फाइंड आउट करना है सी, सी की वैल्यू क्या आएगी, सी इक्वल्स टू हम यहाँ से रखेंगे माइनस का फाइव टू एम बट्टे में आएगा हमारे पास फाइव थ्री डैश एम, वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू रखते हैं हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, फाइव टू की वैल्यू है बी एम स्क्वायर माइनस सात में लगा दिया, डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ टू एम आ गया, टू से टू कैंसिल आउट होगा, एम से एम कैंसिल आउट होगा, वैल्यू आएगी बी एम बाई टू। अब हमारे पास ये तो सी की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से क्या ले रहे हैं, एम की वैल्यू तो हम ले रहे हैं प्लस वन, तो यहाँ से इसके केस में सी की वैल्यू क्या आएगी बी बाई टू, तो यहाँ से वाई बराबर एम एक्स प्लस सी आ गया, ये इक्वेशन आ गई एक तो अनंत स्पर्शी की। दूसरी अगर एम की वैल्यू माइनस वन लेंगे तो उसके केस में सी की वैल्यू आएगी माइनस का बी बट्टे दो, इसके केस में वाई बराबर आएगी एम एक्स प्लस, प्लस में नहीं आएगा, माइनस का बी बाई टू, दूसरी अनंत स्पर्शी आएगी हमारे पास यहाँ से ये, और एक अनंत स्पर्शी हम पहले से ही निकाल चुके हैं यहाँ से, इस मेथड से भी हमने क्वेश्चन कर लिए। अब अगर हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन में ही दिया हो, लाइक हमारे पास अगला क्वेश्चन हम इसमें देखें, तो एक क्वेश्चन हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ से फंक्शन जो कर दिया है वो दिया हुआ है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी हमने अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी है जो अक्षों के समांतर हो, लाइक एक्स अक्ष या फिर वाई अक्ष के समांतर हो, तो उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे इक्वल टू हमारे पास ये तो कर दिया हुआ है, इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है आपको जीरो, तो इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ टू एक्स वाई इंटू में वाई की स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई की पावर एक तो चार आएगा,
माइनस ऑफ टू एक्स वाई की पावर 3 आएगा, और प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर एक्स वाई इक्व टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब वाई की यहाँ से अधिकतम घात को हमने 0 के बराबर करना है, अधिकतम घात के गुणांक को। वाई की अधिकतम घात है हमारे पास वाई की घात 4, इसका गुणांक है 1, 1 बराबर तो 0 हो नहीं सकता, तो वाई अक्ष के समांतर तो हमारे पास है ही नहीं अनंत स्पर्शी। अगर हम वाई अक्ष के समांतर देखें तो कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। एक्स अक्ष के समांतर देख सकते हैं, तो एक्स की अधिकतम घात क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारे पास यहाँ से वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक्स अक्ष के अगर समांतर देखें, एक्स अक्ष के समांतर हमारे पास यहाँ से कौन से अनंत स्पर्शी आएगी वाई स्क्वायर इक्व टू 0, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई बराबर 0 आ जाएगा। तो एक अनंत स्पर्शी ये जो जरूर आएगी अक्षों के समांतर, जो कि एक्स अक्ष के समांतर है, जो हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरीके से चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने अनंत स्पर्शी फाइंड आउट करनी है। कर्व हमें दिया हुआ एक्स ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको पहले तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो इस कर्व को हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, ए वाई स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी आ जाएगी हमारे पास इसमें, इनकेस अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, यहाँ से इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से अगर वाई स्क्वायर कॉमन ले ले तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा। तो वाई अक्ष के अगर समांतर देखें तो वाई अक्ष के समांतर हमारे पास यहाँ से कौन सी अनंत स्पर्शी आएगी, इसके गुणांक को 0 के बराबर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस ए, तो यहाँ से x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, दो अनंत स्पर्शियां आ गई है जो हमारे पास यहाँ से y अक्ष के समांतर है रेस्पेक्टिवली। अगर इसी इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके ये भी तो लिख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। इस फॉर्म में अगर लिखेंगे तो एक्स अक्ष के समांतर अगर हम देखें तो एक्स अक्ष के समांतर हमारे पास कौन से अनंत स्पर्शी आएगी, इसके गुणांक को 0 के बराबर करेंगे वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज वाई इक्वल्स टू हमारे पास प्लस माइनस बी आयोटा आएगा, जो कि काल्पनिक अनंत स्पर्शी आएगी। ये तो हमारे पास दो रियल आ रही है, दो आ गई हमारे पास यहाँ से काल्पनिक। अब यहाँ से इसकी अगर पावर देखें तो इसकी हाइएस्ट पावर हमारे पास कितनी है, यहाँ से हमारे वक्र की हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, दो दो 4 ही है, तो इसकी 4 ही अनंत स्पर्शियां हो सकती है। दो अनंत स्पर्शियां यहाँ से मिल गई, दो यहाँ से मिल गई। अब ये दो काल्पनिक है पर है तो अनंत स्पर्शियां है, तो हाईएस्ट इसकी 4 अनंत स्पर्शियां हो सकती है, तो चारों हमें मिल चुकी है। तो यहाँ से एग्जिस्ट जो करेगी इसकी अनंत स्पर्शियां, अगर आपको आंसर लिखना हो तो इसकी अनंत स्पर्शी हमारे पास कौन सी आएगी, यहाँ पर अनंत स्पर्शी यहाँ से हमारे पास बनेगी, यहाँ से काल्पनिक वाली काउंट नहीं होगी। तो हमारे पास एक तो x इक्वल्स टू प्लस ए और x इक्वल्स टू माइनस ए, केवल ये दो अनंत स्पर्शियां ही काउंट होगी इसका आंसर में। इसके नेक्स्ट अगर क्वेश्चन में आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ से दिया हुआ है, इन केस अगर आपके पास यहाँ से क्वेश्चन ये दिया हुआ हो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यहाँ से इसके अनंत स्पर्शियां बताइए कौन सी होगी। तो हम जानते हैं हमारे पास दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण है, यहाँ से ये समवृत्त आएगा, यहाँ से अनंत पे जाएगा ही नहीं, तो अनंत स्पर्शियां ही नहीं होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसकी अनंत स्पर्शी नहीं होगी, इसकी अनंत स्पर्शी ही नहीं होगी हमारे पास, क्योंकि ये समवृत्त है, परिभाषित है परिमित रूप से, तो यहाँ से इसके केस में अनंत पे नहीं जाएगा, तो अनंत स्पर्शी ही कहाँ से आएगी, तो इसकी कोई अनंत स्पर्शी नहीं आएगी। और इन केस हमारे पास यहाँ से यही फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ, उसके अनंत स्पर्शी हमें निकालनी हो ए स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर बराबर 1, तो इसकी अनंत स्पर्शी अगर हम निकाले तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं, ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर बराबर में आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है यहाँ से, ये एक्स है, तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई कर ले तो एक तो तरीके से ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर आ रहा है 0। तो पहले दो टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लें, वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर आ गया, प्लस माइनस में बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया इक्वल टू 0। तो पहले तो वाई अक्ष के समांतर देख लेते हैं, अगर वाई अक्ष के समांतर देखेंगे तो अधिकतम घात के गुणांक को 0 करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कर दिया 0, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। दो अनंत स्पर्शी हमें यहाँ से मिल गई, एक तो एक्स बराबर प्लस का है, एक एक्स बराबर माइनस का 1। इसी तरीके से इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके ये भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अगर हम यहाँ से
एक्स स्क्वायर को मान लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, वाई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर जीरो। ये इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है। तो एक्स अक्ष के समांतर अगर आपने अनंत स्पर्शिया निकालनी हो तो उसके केस में एक्स के अधिकतम घात के गुणांक को जीरो करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जीरो आएगा। तो वाई की वैल्यू आ गई प्लस माइनस बी, यहाँ से ये दो अनंत स्पर्शियां इसके लिए आ गई, दो दो चार, अधिकतम घात चार है तो इसकी चार ही अनंत स्पर्शियां हो सकती है जो हमने निकाल ली है। इसी तरीके से एक तरीका और बचा है उससे और देख लेते हैं। एक कंडीशन हमारे पास यहाँ से ही हो सकती है, अगर हमें यहाँ से जो कर्व दिया हुआ है उसकी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी मल्टीपल विद एफ एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस वन इक्वल टू जीरो दी गई हो तो इसके केस में हमारी जो अनंत स्पर्शी बनेगी यहाँ से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी तो एज इट इज रहने देंगे, प्लस यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके या फिर पूरी इक्वेशन में से डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, लिमिट एक्स की वैल्यू तो इनफाइनाइट की ओर टेंड कराएंगे और y बाई एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ a बाई बी की जगह टेंड कराएंगे। यहाँ से अगर हम इसके लिए प्रवणता या ढाल निकालें, इसके लिए स्लोप निकालेंगे इस इक्वेशन की, इसकी स्लोप इसी तरीके से तो निकलेगी माइनस ए बाई बी तो आएगी यहाँ से और पी एन माइनस वन बाई एफ एन माइनस वन हो गया इक्वल टू जीरो, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब जैसे अब यहाँ से ये पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें एक्स माइनस टू वाई का स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस ऑफ वाई माइनस ऑफ फोर वाई एक्स माइनस टू माइनस ऑफ एट एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल्स टू जीरो। अब अगर हम इसके केस में यहाँ से हम देखें हमारे पास यहाँ से इसके लिए अनंत स्पर्शियों की समीकरण क्या आएगी, तो अगर तो यहाँ से हाईएस्ट पावर वाले कोफिशियंट वाली कंडीशन लगाएंगे तो जैसे एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो के समांतर अगर हम निकालें, जीरो के समांतर हमारे पास अनंत स्पर्शी क्या बनेगी, अनंत स्पर्शी अगर हमने यहाँ से यह निकालनी हो तो इसके केस में हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, इसके केस में हम यहाँ से ये करेंगे हमें जो भी इक्वेशन दी उसको सिंप्लीफाई करना है तो उसके जो यहाँ से मल्टीपल में जो वैल्यू है उसको चेकआउट करना है, उसके हमने पावर के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। जैसे x माइनस टू वाई तो एज इट इज रहने देंगे, इसके समांतर ही तो निकाल रहे हैं, इसका स्क्वायर हमने एज इट इज रहने दिया। अब यहाँ से इसके मल्टीपल में हमें क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई की पावर वन है तो यहाँ से इस पूरी इक्वेशन में हम यहाँ से x से डिवाइड कर देंगे, अगर पूरी इक्वेशन में x से डिवाइड कर दे तो ये वन माइनस वाई बाई एक्स बन जाएगा माइनस यहाँ से फोर बाई वाई बाई एक्स आ गया और x माइनस टू वाई ये हमारे पास एज इट इज लिखा जाएगा। एंड नेक्स्ट में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इसके नेक्स्ट अगर हम यहां से देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू यहां पर आ जाएगी माइनस ऑफ एक्स एट एक्स बाई एक्स तो वन आ जाएगा यहां से और प्लस ऑफ सेवन वाई बाई एक्स आ गया इक्वल्स टू जीरो बाई एक्स इक्वल्स टू जीरो में चली गई वैल्यू। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसके लिए इसके समांतर निकाल रहे, जिसके समांतर निकाल रहे हैं उसके केस में हम क्या करेंगे, x की जगह तो जीरो इनफाइनाइट रिप्लेस करेंगे, x को तो इनफाइनाइट की ओर टेंड कराएंगे और y बाई एक्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से टू वाई इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा, m की वैल्यू क्या आएगी वन बाई टू, सो y बाई एक्स की वैल्यू यहाँ से टेंड करेगी वन बाई टू की ओर। ये हम यहाँ से कंडीशन लगाएंगे, लिमिट अप्लाई करते हैं तो जैसे ही हम यहाँ से इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करने की कंडीशन होगी x माइनस टू वाई का होल स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे, लिमिट x इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट लेंगे और y बाई एक्स इज टेंडिंग टू वन बाई टू लेंगे माइनस यहाँ से फोर इंटू एक्स माइनस टू वाई तो एज इट इज लिखा जाएगा, इसके केस में लिमिट अप्लाई हो रही है, लिमिट x इज टेंडिंग टू आ रहा है हमारे पास इनफाइनाइट और y बाई एक्स इज टेंडिंग टू वन बाई टू आएगा तो यहाँ से y बाई एक्स आ गया माइनस यहाँ से भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ एट प्लस सेवन वाई बाई एक्स सेम लिमिट यहाँ पर अप्लाई होगी इक्वल्स टू आएगा हमारे पास यहाँ से जीरो। अब जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं एक्स माइनस टू वाई का तो होल स्क्वायर आ गया और यहाँ से हमने लिमिट अप्लाई की थी, लिमिट किस पर अप्लाई की थी, यहाँ से वन माइनस ऑफ वाई बाई एक्स पे लिमिट अप्लाई की थी तो वन तो एज इट इज रहेगा और वाई बाई एक्स की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ से लिमिट अप्लाई होने पर वन बाई टू आ गया माइनस यहाँ से माइनस था माइनस ऑफ फोर इंटू एक्स माइनस टू वाई एज इट इज आ गया और इसमें लिमिट अप्लाई होगी तो वैल्यू वन बाई टू आ गई माइनस यहाँ से आएगा एट प्लस सेवन बाई टू आ गया इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से जीरो। अब अगर इस इक्वेशन को हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस टू वाई का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगी वैल्यू वन बाई टू तो टू यहाँ आ गया, यहाँ से टू इंटू एक्स माइनस ऑफ टू वाई आ गया और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी सोलह, सोलह और सात तेईस, तेईस बट्टे टू इक्वल्स टू जीरो।
स्क्वायर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी x माइनस टू वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू एक्स माइनस ऑफ 2 वाई माइनस ऑफ 23 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आई है, इसको चाहे तो हम आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये द्विघात समीकरण होगी। इस समीकरण को अगर सॉल्व करते हैं, x माइनस टू वाई में द्विघात समीकरण ही तो ही है, इसको सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य विधि लगाएंगे। x माइनस टू वाई इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सो 4 इंटू 23, 4 इंटू 23 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आएगा हमारे पास यहाँ से 2a, विच इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, अगर आप इसके रूट्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से बनेगी 2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा हमारे पास यहाँ से। तो यहाँ से दो अनंत स्पर्शियां बन गई ना, x माइनस ऑफ 2y की वैल्यू इक्वल्स टू c के इक्वल आ रही है, तो दो अनंत स्पर्शियां तो हमें यहाँ से मिल गई। अब हम इसी तरीके से दूसरे मेथड दूसरे को सॉल्व कर यहाँ से वही इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं। इक्वेशन है x माइनस 2y स्क्वायर, ये हमें यहाँ से कर्व की इक्वेशन दी है, x माइनस ऑफ y है हमारे पास यहाँ से माइनस ऑफ 4y मल्टीपल विद x माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ 8 x प्लस ऑफ 7y इक्वल्स टू हमें यहाँ से दिया गया 0। अब यहाँ से अब हमने किसके पहले तो x माइनस 2y के पैरेलल देखी थी, अब हम इक्वेशन देख रहे हैं x माइनस y के, x माइनस y बराबर 0 के समांतर। इसके अगर हम यहाँ से समांतर अनंत स्पर्शी निकालेंगे तो हमारे पास सेम प्रोसेस लगाएंगे, सेम प्रोसेस में हम यहाँ से क्या देखते हैं, इस प्रोसेस में हम यहाँ से देखते हैं यहाँ से x माइनस वाई को तो हम एज इट इज रहने देंगे, इसके जो कोफिशियंट है उसके जितनी पावर है उतने x की पावर का डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन में। तो यहाँ से कोफिशियंट में x की पावर 2 है तो x की पावर 2 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड करेंगे, सो 1/2y/x का स्क्वायर आएगा, माइनस ऑफ यहाँ भी डिवाइड करेंगे 4/x2y x माइनस ऑफ 2y एज इट इज रहने देंगे, माइनस ऑफ 1/x2 8x प्लस 7y इक्वल्स टू हम लेंगे 0/x2 विच इज टेंडिंग टू 0। अब हमने क्या प्रोसेस लगानी है, x की जगह टेंड कराना है इनफाइनाइट, y/x को टेंड कराएंगे, यहाँ से अगर इसकी स्लोप निकालेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, तो y/x की वैल्यू टेंड होगी 1 की ओर। लिमिट अप्लाई करें तो एक तो हमारे पास यहाँ से जब लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट एक तो यहाँ अप्लाई होगी हमारे पास, एक लिमिट यहाँ से इसमें भी अप्लाई होगी, तो पूरे केस में अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट हमारे पास बनेगी x माइनस y लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट और y/x टेंडिंग टू हमारे पास 1 आएगा। अब y/x की वैल्यू यहाँ से 1 कैसे आई, अगर इक्वेशन सिंप्लीफाई करो तो x माइनस वाई बराबर हम 0 ही तो ले लें, इसको सिंप्लीफाई करो y बराबर आ जाएगा x, तो y बराबर mx प्लस c से तुलना कर ले, m का मान 1 आ रहा है तो इस वजह से यहाँ से 1 की ओर टेंड कर रहा है, 1 माइनस ऑफ 2y/x स्क्वायर आएगा यहाँ से, माइनस ऑफ 4 यहाँ से वैल्यू आएगी लिमिट y/x टेंडिंग टू 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक तो वैल्यू यहाँ से y/x बनेगी, एक x को अंदर भेज देंगे तो 1-2y/x एक यहाँ बनेगा। नेक्स्ट इसी तरीके से इसमें भी लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा, तो यहाँ से एक x तो मान लीजिए आप यहाँ ना लगा के, हमने एक यहाँ लगा दिया एक यहाँ लगा दिया, एक x तो बाहर ही, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा तो वैल्यू 0 ही हो जाएगी पूरी की पूरी, तो हम इसे डायरेक्टली 0 लिख देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने से x माइनस वाई तो यहाँ आ गया, और यहाँ वैल्यू क्या आएगी 1-2 का स्क्वायर विच इज माइनस ऑफ माइनस 4, यहाँ से वैल्यू अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 1-2 इक्वल्स टू 0, सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी x माइनस वाई, और यहाँ से माइनस 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो एक हमारे पास अनंत स्पर्शी आ गई, दो हमने पहले निकाल ली थी, तीसरी अनंत स्पर्शी हमारे पास ये हुई, तो यहाँ से इस वक्र के लिए हमने अनंत स्पर्शियां निकाल ली। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी तरीके से अगर हम हमारा अगला क्वेश्चन देखें तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू x प्लस 9y माइनस ऑफ 2। अब हमारे पास ये वक्र का समीकरण है, इस वक्र के समीकरण को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वक्र का समीकरण हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया, x प्लस 2y आ गया प्लस ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 2y x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस 9 ऑफ y माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास वक्र का समीकरण आ गया, इसमें अनंत स्पर्शियां निकालते हैं। पहला कंडीशन तो हम लेते हैं x प्लस वाई बराबर 0 के समांतर, इसके समांतर अगर हम यहाँ से अनंत स्पर्शी देखते हैं तो हमारी कंडीशन क्या आएगी, इसके केस में हम यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर का जो गुणांक है उसमें x की जितनी पावर है पूरे इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देते हैं, तो इसका गुणांक है x प्लस 2y, इसमें x की पावर एक ही है तो पूरी समीकरण को x से डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही x से डिवाइड करेंगे इक्वेशन हमारे पास यहाँ से कुछ इस तरीके से आ जाएगी 1 प्लस 2y/x,
और यहाँ से आएगा हमारे पास x प्लस, प्लस में है यहाँ से प्लस x प्लस y का होल स्क्वायर 2y, x आ गया यहाँ से हमारे पास। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास स्टिल यही रहेगी, यहाँ पर इसके केस में आएगा हमारे पास यहाँ से माइनस लिमिट x टेन, लिमिट तो बाद में अप्लाई करेंगे, ये आएगा 1 प्लस 9y बाई एक्स माइनस ऑफ 2 बाई एक्स, लिमिट अप्लाई करेंगे इक्वल्स टू 0। जब लिमिट अप्लाई करेंगे x की वैल्यू तो टेंड कराएंगे इनफाइनाइट की, और y बाई एक्स की वैल्यू यहाँ से स्लोप क्या बनेगी, y बराबर माइनस एक्स आएगा, तो यहाँ से इसकी स्लोप माइनस 1 आएगी, तो यहाँ से माइनस 1 की ओर टेंड करेंगे। तो जैसे यहाँ से x की वैल्यू इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगी और y बाई एक्स की वैल्यू माइनस 1 की ओर टेंड करेगी, ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ से किसमें सिंप्लीफाई हो जाएगी, ये इक्वेशन यहाँ से लिखी जा सकती है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ से वैल्यू आएगी 1 माइनस 2 प्लस x प्लस y का होल स्क्वायर, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट आएगा, तो यहाँ से ओवरऑल वैल्यू हमारे पास जीरो की ओर ही तो टेंड करेगी, तो जीरो आ जाएगा माइनस, यहाँ से वैल्यू आएगी 1 माइनस 9, नेक्स्ट वैल्यू ये वैल्यू जीरो की ओर टेंड कर जाएगी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इक्वल्स टू आएगा हमारे पास जीरो। इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन आगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 आएगा साथ में, इसको यही रहने देंगे और इसको भी हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, प्लस 8 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से जीरो। इस इक्वेशन को अगर हम आगे और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर 1 माइनस ऑफ 8 आ रहा है, यहाँ से हमारे पास माइनस 1 भी तो आ रहा है बाहर, तो ये ओवरऑल हमारे पास माइनस 8 आएगा यहाँ पर। तो इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं ये इक्वेशन हमारे पास बन रही है यहाँ से, तो इसके केस में वैल्यू आएगी x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 8। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 आएगा, तो प्लस माइनस 2√2 आ गया, एक हमारे पास दो तो समीकरण यहाँ से मिल जाएगी, अनंत स्पर्शी की समीकरण होगी, एक तो प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। इसी तरीके से हम यहाँ से अब हमारे पास समीकरण को दोबारा सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये तो हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी, x प्लस 2y प्लस 2 मल्टीपल विद x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस 9y माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। तो अब हमने यहाँ से किसके समांतर देखनी है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 के समांतर और देख लेते हैं। इसके समांतर हमारे पास जो अनंत स्पर्शी देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, x प्लस 2y का जो गुणांक है उसके गुणांक में x की जितनी घात है उतनी घात से पूरी समीकरण को डिवाइड करेंगे, तो x स्क्वायर से पूरी समीकरण को हम डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू आएगी 1 बाई एक्स स्क्वायर, बाकी टर्म को एज इट इज रहने देंगे, x प्लस 9y माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर देखें x की वैल्यू तो टेंड करानी है इनफाइनाइट की ओर, और y बाई एक्स की वैल्यू टेंड करानी है यहाँ से एक्स 2y बराबर माइनस ऑफ x आएगा, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ऑफ 1 बाई 2 एक्स, तो m की वैल्यू क्या आ रही है माइनस ऑफ 1 बाई 2। वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने से x की वैल्यू इनफाइनाइट की ओर टेंड करी और y बाई एक्स की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 की ओर टेंड करी, तो x प्लस 2y, y बाई एक्स की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 की ओर टेंड करानी है, तो 1 माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से x इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा तो पूरी वैल्यू 0 की ओर टेंड करेगी इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1 माइनस x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 4 आ गया यहाँ से, और यहाँ से 2 बाई 4 इक्वल्स टू आ रहा है 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने से वैल्यू आएगी हमारे पास x प्लस 2y इज प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास यहाँ से। तो ये हमारे पास तीन अनंत स्पर्शियों की समीकरण आ गई। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से एक क्वेश्चन और देखे दो, अब हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट कर्व दिया हुआ है y माइनस ऑफ 2x का होल स्क्वायर और 3x प्लस ऑफ 4y प्लस 3 इंटू y माइनस ऑफ 2x और 3x प्लस 4y माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू 0, ये हमारे। सो अगर हम यहाँ से इस कर्व की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं y माइनस ऑफ 2x कॉमन आएगा, रिमेनिंग टर्म हमारे पास यहाँ से इसके अंदर रहेगी y माइनस ऑफ 2x यहाँ लिख देंगे, और 3x प्लस 4y भी तो साथ ही कॉमन ले सकते हैं, 3x प्लस 4y आ गया, और यहाँ से प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 0, ये इक्वेशन बन गई। तो अगर हम इसे यहाँ से देखें, ये हमारे पास कुछ ये फॉर्मेट हो गया। अब इसके फॉर्मेट में हम यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ से तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, एफ थ्री आ गया, यहाँ से एफ जीरो है पावर, तो एक्स वाई में ये थ्री फैक्टर्स में पावर में थ्री आ रहा है और यहाँ से पावर जीरो आ रही है, तो एफ थ्री प्लस एफ जीरो। तो इसके केस में हमारे पास जो इसकी अनंत स्पर्शियां हैं, अनंत
एसिम्प्टोट मिलेगी, तो इसकी अनंत स्पर्शी कहाँ मिलेगी, एफ थ्री बराबर जीरो के यहाँ से जो भी हमारे पास फैक्टर्स होंगे वही अनंत स्पर्शी होंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, वाई माइनस टू एक्स और थ्री एक्स प्लस फोर वाई, और एक है हमारे पास वाई माइनस टू एक्स प्लस थ्री है, ये है हमारे पास इक्वल्स टू जीरो। तो इसकी अनंत स्पर्शियां कौन कौन सी होगी, तो सीधा सीधा ही मिल गया, एक अनंत स्पर्शी तो होगी वाई माइनस टू एक्स बराबर जीरो, दूसरी अनंत स्पर्शी है थ्री एक्स प्लस फोर वाई बराबर जीरो, और तीसरी अनंत स्पर्शी है वाई माइनस ऑफ टू एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो। ये आ गई हमारे पास यहाँ से इसकी अनंत स्पर्शियां। ठीक इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ से देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर और एक्स प्लस टू वाई प्लस वन प्लस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। इसकी अनंत स्पर्शी हमने देखनी है, तो अगर हम यहाँ से देखें इसमें तो हमारे पास पावर थ्री है, एफ थ्री है, और इसमें पावर वन है, वन पावर में ही तो है ये हमारे पास, यहाँ से एफ थ्री प्लस एफ वन का फॉर्म हो गया, लाइक अगर आप यहाँ से इसे इग्नोर करो ये एफ जीरो आ गई। तो यहाँ से थ्री पावर और वन पावर, एफ थ्री और एफ वन क्या इम्प्लाई करता है, यहाँ से एफ थ्री इक्वल्स टू जीरो इसकी अनंत स्पर्शियां होंगी, तो इसकी अनंत स्पर्शियां आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, एक अनंत स्पर्शी हो जाएगी एक्स प्लस टू वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास इसको सॉल्व कर लें तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई बराबर जीरो, दो अनंत स्पर्शियां तो यहाँ से मिल गई और एक अनंत स्पर्शी ये होगी। तो इस प्रकार यहाँ से इसकी कुल तीन अनंत स्पर्शियां आ गई है। तो यहाँ से हमने अनंत स्पर्शियों के सारे क्वेश्चन इसके ऑलमोस्ट कर लिए। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से इस टॉपिक से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है अगर हमारा एक्स रेस टू दी पावर फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ऑफ फोर एक्स रेस टू दी पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ तक हमारे पास तो पावर फोर दी गई, इसके नेक्स्ट पावर टू है, इसके नेक्स्ट पावर वन है, वन और जीरो, तो एफ फोर प्लस एफ टू का फॉर्मेट हो गया, एफ एन के बाद एफ एन माइनस टू है पावर में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ फोर बराबर जीरो आ जाएगी, इसकी अनंत स्पर्शी इंप्लाइज एक्स रेस टू दी पावर फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर फाइव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस फोर रेस्ट वाई रेस्ट टू दी पावर फोर इक्वल्स टू जीरो हमारे पास यहाँ से होगी इसकी अनंत स्पर्शी। इसको आगे हम सॉल्व करें, इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो इसके हमने फैक्टर्स करने होंगे, फैक्टर्स करने का मेथड हम क्या काम में लेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एक्स की पावर चार माइनस चार एक्स की पावर दो वाई की पावर दो माइनस एक्स की पावर दो वाई की पावर दो प्लस फोर वाई रेस्ट टू दी पावर फोर इक्वल्स टू जीरो। फर्स्ट टू टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ फोर वाई स्क्वायर आ गया, सेम प्रोसेस यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ फोर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो आएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो आ गया, तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या बनेगी, यहाँ से बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो एक तो फैक्टर बनेगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, एक फैक्टर बनेगा एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। इसी तरीके से इसके फैक्टर्स देखें, एक बनेगा एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो, एक बनेगा एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। इस तरीके से यहाँ से इसकी टोटल चार अनंत स्पर्शियां हमें मिल गई। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। बाकी का बचा हुआ जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में सारा कवर करेंगे। थैंक यू।